आज वेलकम ऑन केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं, काफ़ी बेहतरीन बुक है मेडी जी की, जो कि हैंडबुक है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की, उसका रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि लिखा हुआ ए हैंडबुक ऑन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। ये बुक जो है काफ़ी बेहतरीन बुक है, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज, ESE, गेट और PSU या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि SSC, JEE हो गया और स्टेट के जितने भी AE, JEE लेवल के एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन, RRB, JEE हो गया या फिर कोई भी अदर कंपटीशन जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो सारे के सारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि कंटेंस वेल इलस्ट्रेटेड फार्मूला एंड की थ्योरी कॉन्सेप्ट, यानी कि इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले सारे के सारे कवर किए हुए हैं। उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। इजी टू लर्न एंड इजी टू रिमेंबर, ओके। रिवाइज एंड अपडेटेड है बुक। चलिए ओपन करके देखते हैं बुक को। तो बुक को जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्टर्स मैसेज, इसके बाद हम कंटेंट पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बुक की, कि क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा बुक में। तो देखिए बुक की अगर हम बात करें तो इसमें कंटेंट में सारे के सारे सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे कवर किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है सबसे नंबर वन पे, उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस है, उसके बाद RCC एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट दिया हुआ है, उसके बाद डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, उसके बाद CPM पार्ट है, बिल्डिंग मटेरियल कवर किया हुआ है, सॉइल मैकेनिक्स कवर किया हुआ है, फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीन्स दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, उसके बाद रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट, डॉक, हार्बर एंड टनलिंग इंजीनियरिंग, सारे के सारे चीज़ यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज तो यहाँ हमने कंटेंट देख लिया, अब उस सब्जेक्ट के अंदर में किस टाइप से ये दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। तो सब्जेक्ट जब हमने देखा तो सबसे पहला सब्जेक्ट इन्होंने कवर किया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या किया है कि इस सब्जेक्ट के अंदर भी कंटेंट दिया हुआ है, चैप्टर वाइज डिवाइड किया है सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट में देखिए सबसे पहला चैप्टर जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके बाद आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है, उसके बाद जो प्रिंसिपल स्ट्रेन चैप्टर है वो दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ फेल्योर, उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ बीम दिया हुआ है, उसके बाद प्रेशर वेसल, टॉर्जन ऑफ शाफ्ट, उसके बाद शियर सेंटर, उसके बाद कॉलम के बारे में पूरा दिया, स्प्रिंग के बारे में पूरा। तो टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को और सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं। अब देखते हैं आगे की जो चैप्टर इन्होंने दिया है उसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। अब देखिए जब हम चैप्टर की बातें करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चैप्टर में कि यहाँ पे आपके सामने जो चैप्टर है ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड स्ट्रेस स्ट्रेन। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले इन्होंने दिया, जैसे इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है, उसका डिफिनीशन दे दिया, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो दे दिया, फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है आप देख सकते हैं, डक्टिलिटी क्या होता है, उसके बाद ब्रिटलनेस क्या होता है, इस पेज पर देखो तो मेलिएबिलिटी क्या होता है, टफनेस क्या होता है, उसके बाद हार्डनेस, स्ट्रेंथ क्या होता है, सारे के सारे डिटेल में इन्होंने समझाया है इस बुक में, डिफिनेशन, फार्मूला और जो उससे रिलेटेड ग्राफ्स हैं, फिगर्स हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी तरह हम बात करें आगे इस बुक में तो सारे चैप्टर्स इसी तरह दिए हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने दिया है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो काफ़ी बेहतरीन बुक है। अगर एक चैप्टर फिर खत्म हुआ फिर दूसरे चैप्टर आप देख सकते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में सेम उसी तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बीम समझाया है यहाँ पे कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, फिक्स्ड बीम क्या होता है, कैंटिलीवर बीम क्या होता है, कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, उससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन, यानी कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे जो है सारे कुछ कवर किए गए हैं। और अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बना पा रहे हैं, किसी कारण से नहीं बनाया आपने और एग्ज़ाम की रिवीजन करनी है आपको, तो ये बुक काफ़ी बेहतरीन रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट का काम करता है ये बुक, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूला जो है कवर किए गए हैं एक जगह। और देख सकते हैं इसी तरह सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इस बुक को अगर परचेज करना चाहते हो तो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन बुक है ये। तो ये सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर्स इसमें कवर किए गए हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग इसमें कवर की गई है। अगर बुक की हम प्राइस की बात करें तो 350 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है बुक की प्राइस, लेकिन ये प्राइस जो है इससे कम प्राइस पर आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं, जो है किसी भी फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर मेडिजी के वेबसाइट पर जाके यहाँ वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऑफलाइन भी मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग जो है कवर की गई, तो काफ़ी बेहतरीन बुक है। अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करना चाहते हो और जल्दी से रिवीजन करना चाहते हो तो एक बस एक पतली सी बुक है
ये ज़्यादा पेजेस की बुक नहीं, जैसे कि आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कितने वास्ट सब्जेक्ट हैं, तो उस सारे सब्जेक्ट को एक बुक में इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी पॉकेट जो है डिक्शनरी की तरह काम आएगा आपका, तो काफ़ी बेहतरीन बुक है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। और जो है अगर PDF इसका अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर किसी वजह से आप इस बुक को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, PDF चाहिए आपको, तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF डालते रहता हूँ, जितने भी सब्जेक्ट हैं या फिर जो भी PDF हमारे पास अवेलेबल होता है, सारे PDF उस टेलीग्राम चैनल में मैं डालते रहता हूँ, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक की PDF भी मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए इस YouTube चैनल पे। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।